तो हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गैस, आज मैं आपको टॉप 5 बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी आइडियाज़ देने वाला हूँ। और इस फोटोग्राफी के लिए हम खुद का मोबाइल ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई महंगा कैमरा वाला फोन ही चाहिए, आप अपनी मोबाइल पर ये फोटोग्राफी को कर सकते हो। सो गैस, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन प्रेस करना ना मिले। तो चले गैस, बिना देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस चलते हैं फास्ट फोटोग्राफी तरफ। तो फास्ट फोटोग्राफी बहुत ही क्रिएटिव होने लाए। तो पोज कैसे देना है आपको, इस टाइप से जमीन पर जाकर के बैठ लेना है। और कैसे आपको फोटो कैसे क्लिक करना है, यहाँ पर पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव पर टाइप करके फोकस बना लेना है और फोकस को लॉक कर देना है। लॉक करके आपको हल्का सा ब्राइटनेस को प्लस कर देना है, प्लस करके आपको फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर हमारी फोटो क्लिक हो चुकी है, फोटो को यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फोटो को आपको सेकंड पोज के साथ मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपको फोटो को देखने में असली मजा आएगा। तो सेकंड पोज में कुछ इस टाइप से पोज देना है, सिंपल आपको हाथ को इस टाइप से रख लेना है एंड गैस आपको फेस को भी ऊपर कर लेना है, जैसे किसी बड़ी इमारत को आप देख रहे हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं मोबाइल पर फोटो को क्लिक कर देता हूँ। तो फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो को फोटो रूम एप्लीकेशन पर ओपन कर देना है और गैस आपको फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। तो बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आपको फिर से पिक्सआर्ट आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोनों मॉडल को मर्ज कर देना है। कुछ इस स्टेप से आपको हाथ के ऊपर एक मॉडल को रख लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों इमेज को मर्ज कर दिया, उसके बाद लाइटरूम पर फिर से सेंड करके यहाँ पर थोड़ी कलर रिटच करने के बाद यहाँ पर इमेज को देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हमारी फोटो को देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और यहाँ पर मैं जो स्काई को यूज़ किया हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये स्काई को डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, मैं जो कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस चलते हैं सेकंड फोटोग्राफी तरफ। तो यहाँ पर भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या है, सिंपल आपको एक ताश के पत्ते लेना है और वो भी किंग कार्ड को लेना है। ताश के एक पत्ते से ही हम फोटोग्राफी करेंगे। तो सिंपल आपको इस तरह से पकड़ लेना है कार्ड को एंड गाइस आपको फोटो को लो एंगल से क्लिक करना है। लो एंगल से कैसे क्लिक करना है, आपको मोबाइल को रोटेट करके इस तरह से फोटो को क्लिक करना है। तो फोटो को क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर मोबाइल की जो स्क्रीन पर आपको फोकस कर लेना है आपको ताश के पत्ते पर। तो इस टाइप से फोकस करने के बाद आपको क्या करना है, फोकस को लॉक कर देना है, उसके बाद हल्का सा यहाँ पर ब्राइटनेस को प्लस करके आपको फोटो को क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर फोटो कर लेते हैं क्लिक। तो गाइस यहाँ पर पिक को देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस ये पिक को मैं लाइटरूम पर रिटच किया हूँ और इसका प्रीसेट भी मैं आपको दे दूंगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं थर्ड फोटोग्राफी तरफ। इस फोटोग्राफी में आपको और भी मजा आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोतल ले जाना है, फ्रूटी बोतल या तो माजा बोतल ले जाना है, कोई भी बोतल चलेगा, लेकिन ये दोनों ब्रांड की बोतल लेने पर और भी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा आपकी फोटो। सो गाइस आपको एक बोतल को ले जा करके आपको क्या करना है, इस टाइप से रखना है बोतल को जमीन के ऊपर, मतलब आपको हल्का सा राइट तरफ को डाउन करना है। तो डाउन करके आपको इस तरह से बोतल को खड़ा कर देना है, उसके बाद आपको फोटो क्लिक करना है। लो एंगल से फोटो क्लिक करना है आपको, लो एंगल का मतलब आपको मोबाइल को रोटेट करके फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर मोबाइल को रोटेट करना है एंड गैस आपको फुल्ली डाउन कर देना है, जमीन के ऊपर इस तरह से मोबाइल को रखना है और गैस आपको फोटो क्लिक करना है। और आपको पोज कुछ इस स्टेप से देना है, आपको हाथ को इस स्टेप से रख लेना है एंड गैस आपको फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को फोकस बना करके आपको लॉक कर देना है, लॉक करके आपको हल्का सा ब्राइटनेस को भी प्लस कर देना है, उसके बाद आपको फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो कर लेते हैं क्लिक। तो ये था ओरिजिनल पिक और ये था एडिटिंग पिक। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ मैं स्काई को और लाइट पेंज को ऐड किया हूँ। तो ये दोनों पेंज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप भी इस टाइप की बना सकते हो। तो मुझे ये क्रिएटिव कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस चलते हैं फोर्थ फोटोग्राफी की तरफ। इस फोटोग्राफी के लिए आपको एक दीवार की जरूरत पड़ेगी बैठने के लिए। तो इसी लोकेशन पर तो कोई दीवार नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैं टायर को यूज किया हूँ, आप बाइक भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आपको इस तरह से बैठ करके फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो कर लेते हैं क्लिक। तो इस फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है फोटो रूम ऐप पर। फोटो रूम पर कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं आपको पता ही होगा, मैं पहले से आपको बता दिया हूँ। उसके बाद गाइस आपको ये बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस ये बैकग्राउंड को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क के ऐप पर। तो यहाँ पर आपको शेयर करने के बाद आपको दोनों को मर्ज कर देना है, जो हमने कटआउट किया था मॉडल को उसी मॉडल को यहाँ पर मर्ज करने के बाद आपको बोतल को प्रिस्टा से बैठा करके आपको हल्का सा शैडो भी क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर मैं शैडो क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर हमारी फोटो बनकर तैयार हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पर फोटो को देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। सो गाइस आपको इस टाइप की थोड़ी सी कलर टच कर देना है लाइटरूम पर, आपकी फोटो और भी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। अगर आपको कलर टच करना नहीं आते तो इस चैनल में बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़ाए, आप जाकर के वो ट्यूटोरियल को देख करके सीख सकते हो या तो मुझे डीएम कर सकते हो, मैं ट्यूटोरियल बनाकर दे दूंगा। तो गाइस चलते हैं लास्ट फोटोग्राफी तरफ। तो ये हमारी लास्ट फोटोग्राफी होने वाला है और बहुत ही क्रिएटिव भी होने वाला है। तो गाइस ये फोटोग्राफी आपको सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हाथ को पीछे लेकर के बहुत सी बार उछलना है, क्योंकि एक बार में फोटो क्लिक नहीं होगा। और फोटो कैसे क्लिक करना है आपको, तो सिंपल आपको मॉडल को फोकस करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको शटर बटन को प्रेस करके देना है। प्रेस करने पर क्या होगा, 20-30 फोटो क्लिक हो जाएगा और उसमें से ही आपको एक दो फोटो को चूज करना है। तो गाइस यहाँ पर फोटो कर लेते हैं क्लिक। तो फोटो क्लिक करने मतलब ये फोटो को गैलरी से शेयर कर देना है पिक्सआर्ट ऐप पर। यहाँ पर एक स्मोक पीएनजी को एडजस्ट करना है, डार्गन स्मोक पीएनजी, ये पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो मॉडल की सीन में आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद गाइस हमारी फोटो को देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। ये फोटो को मैं लाइटरूम पर थोड़ी कलर टच भी किया हूं। और आपको इस वाली क्रिएटिव आइडिया कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये 5 फोटोग्राफी से आपको कौन सी फोटोग्राफी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी जरूर बताना। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही न्यू फोटोग्राफी वीडियो को आप मिस ना करें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले किसी वीडियो।